गाइस तो मेरे पास एक मॉनिटर है, ये वाला देख सकते हैं। तो इस पे हमारा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जैसे हम पावर इसमें देते हैं, पावर ऑफ करता हूँ, पावर देते ही हमारा इसमें ब्लिंकिंग करना शुरू हो जाता है। पावर आ गया, यहाँ पर देखेंगे डिस्प्ले पे, देख सकते हैं ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग आ रहा है। तो इसका फॉल्ट कहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ इसको, तो यहाँ पर दिखाऊँ इसको। आपको सबसे पहले पावर सप्लाई को चेक करना है, यहाँ पर जो कैपेसिटर है, फिल्टर, वो सब को चेक करना है। देख सकते हैं फिल्टर ऑलरेडी ब्रस्ट हुआ है, फूटा हुआ है। तो इसी तरह से फॉल्ट आपका भी हो सकता है। तो पहले सबसे पहले आपको पावर सप्लाई को चेक करना है, ठीक है गाइस। तो पावर सप्लाई इस कैपेसिटर को चेंज करने से यह प्रॉब्लम चला जाएगा, जो ब्लिंकिंग आ रहा है ये प्रॉब्लम चला जाएगा। दूसरा कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें वापस देखेगा, लेकिन हमारा जो ब्लिंकिंग प्रॉब्लम है वो चला जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसको चेंज करते हैं, उसका पहले बाद में देखते हैं। हेलो गाइस, तो यहाँ पर मैंने दो कैपेसिटर को चेंज किया, वो फिल्टर को 1035, यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक था, मैंने दोनों को चेंज कर दिया हूँ। अभी देखते हैं इसको, ठीक है गाइस। मैं पावर देता हूँ, पावर दे दिया हूँ, देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हमारा फिलहाल ऑलरेडी ओके हो चुका है। तो अभी इसमें मुझे सिग्नल देना पड़ेगा, सिग्नल देने पर ये चालू हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसका वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ, ठीक है गाइस। ठीक है, तो सिर्फ इतना सही फॉल्ट था इस पे, दो कैपेसिटर इसमें खुला हुआ था, दो नहीं एक था। तो इसका साथ में जो भी था उसको भी मैंने चेंज कर दिया साथ में, ठीक है गाइस। उसके बाद में ये ओके हो चुका है, ठीक है। आपको देखना है और भी कैपेसिटर आसपास फुला हुआ हो सकता है, कभी कभार ये बड़ा वाला भी फुला हुआ होता है, ठीक है गाइस। इसको भी चेक किया करें, थोड़ा सा भी फुला हुआ तो आप इसको चेंज करा दें, ठीक है गाइस। ओके, तो खत्म करता हूँ ये, ठीक है।